हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हिस्ट्री की बुक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि फर्स्ट ईयर वाले जो बीए के स्टूडेंट हैं वो कौन सी बुक लें जिसमें उनका हिस्ट्री एंशियंट, जो कि हम लोग दो पेपर पढ़ते हैं, एक पेपर में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक पेपर में यूरोपियन हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री भी कवर हो जाए, यूरोपियन हिस्ट्री भी कवर हो जाए। तो मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगी जो कि बहुत ही बेस्ट है, और क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी बीए वाले स्टूडेंट के लिए होती है कि एक पर्टिकुलर बुक में एक पूरा टॉपिक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको ऐसी कुछ बुक बताऊँगी जिसमें आपका लगभग सिलेबस पूरा हो जाए और आप अच्छे से उसमें अपना बाबा इधर उधर ज़्यादा बुक्स में आपको घूमना ना पड़े। तो वैसे ही आपको लिए मैं सबसे पहले यूरोपियन हिस्ट्री के लिए बताती हूँ। आपको यूरोपियन हिस्ट्री के लिए अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेना है तो कोई केएल खुराना बेस्ट है। केएल खुराना, उसने सब कुछ पॉइंट वाइज दिया है, नॉर्मल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, पढ़ के आप एग्ज़ाम दे दिया फिर अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज चाहिए और मतलब तो उसकी एक मित्तल आती है। देखिए केएल खुराना जो है ना वो हमारा इंग्लिश में आता है, केएल खुराना इंग्लिश में आता है, और ए के मित्तल जो है वो हिंदी में आता है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जिनको यूरोपियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है वो ए के मित्तल ले लें, और जो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो केएल खुराना ले लें। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे कोई बुक तो वो क्या होगा आपको कि वो थोड़ा क्या होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, कि किसी बुक में दो टॉपिक मिल गया, किसी बुक में एक टॉपिक मिल गया, ऐसे आपको अलग अलग बुक देखनी पड़ेगी हर एक टॉपिक को लेके। तो अगर आपको एक ही में चाहिए तो आपको केएल खुराना बेस्ट है, जैसे कि मैं आपको इधर उसकी फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये केएल खुराना की बुक है, ये केएल खुराना की बुक है, ऐसा इसका इंटरफेस है। आप जाएंगे अमेजन वगैरह पे तो आप इजीली आप इसको परचेस कर सकते हैं। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस करेंगे आप इजीली बाय कर पाएंगे, उस लिंक से आप चले जाइएगा, आराम से बुक मिल जाएगी आपको। और जो लोग हिंदी में यूरोपियन की बुक ढूंढ रहे हैं तो ये आपका एके मित्तल वाली बुक है, उसमें आपका हिस्ट्री का जो यूरोपियन वाला पोर्शन हिंदी में है वो कवर हो जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए केएल खुराना। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हर टॉपिक वाइज अलग अलग जाना पड़ेगा, और केएल खुराना और एके मित्तल आपको ईजिली मिल जाएगी अमेजन वगैरह पर, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए आपके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक की लिंक दे दी हुई है, आप वहाँ ईजिली जाइए और परचेस कर लीजिए। केएल खुराना जिसकी फ़ोटो मैंने आपको ये दिखाई ये वाली, और आप इसका इंटरफेस ऐसा है मॉडर्न यूरोप ऐसे, और दूसरा चीज़ ये कि ए के मित्तल है उसका इंटरफेस, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करेगा, उसका भी इंटरफेस शेयर कर दूंगी मैं आपको हिंदी वालों के लिए। अब एंशियंट हिस्ट्री के लिए कौन से, एंशियंट हिस्ट्री के लिए बहुत सारे बुक्स हैं और अच्छा खासा सिलेबस भी कवर हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दूँ मैं आर सी मजुमदार का, ये भी बुक बहुत ही अच्छी है, 475 की मुझे इसके पहले ईयर में मिली थी, मुझे एक साल पहले 475 की आर सी मजुमदार, लगभग सिलेबस कवर हो जाता है इसमें आराम से। वी डी महाजन है आर सी, एक इसके अलावा वी डी महाजन है, ये आर सी मजुमदार है, एक दो और बुक है, तो आसान से एंशियंट इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मिल जाएगा, और इसके कंटेंट भी आराम से ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपको एंशियंट इंडिया की कोई बुक लेनी है तो आर एस शर्मा, इसमें पूरा सिलेबस एग्जैक्ट मिल जाए, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है उस चीज़ में, बट हाँ जैसे आपका वैदिक पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और बहुत सी चीज़ें वो इसमें हैं, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और हाँ, यूरोपियन के लिए बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं जो कि मीनाक्षी फुकन का बुक लेंगे, अगर आप इंग्लिश में हार्ड लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ ये मीनाक्षी फुकन की बुक मत लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, बट इनके कंटेंट को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, और एक पन्ना पढ़ने में हमको पता नहीं कितने वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने पड़ते हैं और हमारा पूरा समय ख़त्म हो जाता है। कंटेंट तो बहुत ही अच्छा है पर इसको ख़रीदना वेस्ट ऑफ मनी है, जो लेकिन जो अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकते हैं हार्ड लैंग्वेज थोड़ी, तो उनके लिए बेस्ट है, बट इसको पढ़ना मैं तो यही कहूँगी थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इससे अच्छा केएल खुराना इंग्लिश वाले और हिंदी वाले एक ही मित्तल ले लें। और डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक वाइज अलग अलग लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है, वहाँ से जाके सर्च कर लें। बाकी ऑनलाइन अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एक ही मित्तल और केएल खुराना मोर देन इनफ। और गाइस जैसे कि ये एंशियंट इंडिया के लिए आपको बताई थी, आर सी मजुमदार, वी डी महाजन, बहुत सारी बुक हैं एंशियंट इंडिया के लिए, ये सब बेस्ट है, लगभग चीज़ें कवर हो जा रही है। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो आर एस शर्मा बहुत ही डिमांडिंग बुक है, आप इसको परचेस कर लीजिए, इसका 365 इसका रेट है। और मैं आपको आर एस शर्मा का लिंक और केएल खुराना का लिंक
एक मित्तल का लिंक दे देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ये 3-4 बुक्स आराम से परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको मैंने बुक से रिलेटेड, हिस्ट्री की बुक से रिलेटेड बीए फर्स्ट ईयर वालों को सॉल्व कर दिया होगा। और ये गलती से भी ये बुक मत खरीद लेना आप लोग, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खरीद के बहुत बड़ा अपना, मतलब ये कितनी बुक थी, 400 की बुक थी और मैंने 400 रुपये वेस्ट कर दिया, उसका कोई मतलब भी नहीं है। बुक तो अच्छी है बट लैंग्वेज बड़ी हार्ड है इसलिए। तो और कोई क्यूरी रह गई आपको हिस्ट्री की बुक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम का भी सलूशन कर दूंगी। और आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, वहां से जाके आप बुक्स परचेस कर लेंगे हिस्ट्री की, आराम से आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी बुक कुछ दिनों में और अपना पढ़ सकते हैं आराम से। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।